पहली उंगली है क्या? नहीं देखो, ये देखो कितना दूर हो गया अभी साफ करने का, तो बदन में कितना दूर होता होगा, अंदर कितना दूर होता होगा, ये इसका कितना होता होगा देखा ना अभी टीवी का। अपन 15 दिन साफ किया नहीं, 15 दिन तो इतना एक ही खाली उंगली घुमाए तो इतना बैठा है मैला, तो ये रोज रोज का बदन में कितना मैला होता होगा। बैगनवाड़ी साठे नगर और जाकिर हुसैन नगर के बीच में एक कंपनी है, उस कंपनी में मुंबई के सारे हॉस्पिटलों का कचरा जलाया जाता है, और उस कचरे को जलाने के बाद में जो कंपनी से धुआं निकलता है, उस धुएं के वजह से वहाँ के आसपास की बस्तियों के जो लोग हैं उनके आँखों में पानी आता है, फेफड़ों की परेशानियाँ होती है, दमे की बीमारियाँ होती है, ऐसे बीमारियों का उनको शिकार होना पड़ता है। क्या है वो बाजू में एसएमएस कंपनी, और वो कंपनी का जितना जो धूरा है ना वो अपने हमारे साठे नगर में आता है, और मेरा क्या है, मैं तो गरीब कार्यकर्ता है, मेरे को बैठने के लिए ऑफिस नहीं है, तो कोई मैटर आता है सॉल्व करने के लिए तो हम थोड़ा वो उधर चौक है उधर का अन्नबो साठे वाचने लिए उधर ही हम बैठ के थोड़ा मैटर सॉल्व करते। कितना मतलब कितने बार दवाखाना जाना पड़ता है और कितना खर्चा होता है आपका? मेरे को तो 15 दिन में 8 दिन में मतलब दर्द हो गया तो 8 दिन में जाना ही पड़ता है, अगर नहीं दर्द हो गया तो डॉक्टर जो गोली देता है वो तो ला के खाना ही पड़ता है। मैं तो पहले बोला ना मेरे को 10 दिन में कम से कम 500 रुपये का गोली लगता है, और ये डॉक्टर के पास जाएगा तभी वो अलग से खर्चा होता है, और हर टाइम वो रिपोर्ट चेक करते हर टाइम अपना चेकअप करते हो तो डॉक्टर का फीस देना ही पड़ता है। सरकार के आदेशानुसार ऐसी कंपनियों को बस्ती या गांव से 500 मीटर दूरी पे होना चाहिए। यहाँ के लोगों का यह कहना है कि बृहन्मुंबई महानगर पालिका से कि यह कंपनी यहाँ से हटाई जाए और दूसरी जगह विस्थापित की जाए, और यह भी एक कहना है कि यहाँ पे हेल्थ कैंप लगाया जाए ताकि ज्ञानदेव साठे को जैसी बीमारी हुई है वैसी और लोगों को ना हो। मैं मुंबई से अमूल लाल झरे, इंडिया अनहड़ के लिए।